आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए शासन के निर्देश पर जनपद के सभी विद्यालय 23 जनवरी तक रहेंगे बंद। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। तीन जनवरी को पुलिस पर पथराव, फायरिंग कर व अन्य जनपदों में दहशत पैदा करने वाले गो तस्कर गिरोह के सरगना व 25,000 के इनामी को गुलहरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। ठंड से निपटने के लिए जनपद में जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न चौराहों पर किया गया अलाव की व्यवस्था। डीएम ने कहा, ठंड से बचने के लिए अभी तक 40,000 लोगों को किया गया है कंबल का वितरण। रैन बसेरों में यात्रियों के ठहरने के लिए की गई है समुचित व्यवस्था। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर मोहल्ले में अज्ञात हमलावरों ने बीती रात व्यापारी अनिल कुमार गुप्ता को मारपीट कर किया गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने कराया जिला अस्पताल में भर्ती। घटना की सूचना पाकर तिवारीपुर पुलिस जांच में जुटी। एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। जनपद में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी हुई पूरी। डीएम ने कहा, जनपद में 17 ऑक्सीजन प्लांट हो रहे हैं संचालित। 3,000 से ज्यादा बेड की है व्यवस्था। लोगों से की अपील, कहा जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है ऐसे लोग अपने नजदीकी वैक्सीनेशन केंद्र पर जाकर जरूर करवाएं वैक्सीनेशन। एसपी सिटी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल संपन्न कराने के लिए महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में कैंट पुलिस व एसएसबी के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। नागरिकों को दिलाया सुरक्षा का एहसास। भाजपा आईटी सोशल मीडिया के प्रभारियों की बैठक क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, कोरोना काल में सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का कार्य करेगी साइबर योद्धाओं की टीम। सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 367 केंद्रों पर 48,786 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 34,399 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 14,387 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन, लगाएं मास्क, करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। गोरखपुर में सोमवार को पाए गए 250 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में एक्टिव केस की संख्या हुई 2,753। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और ठंड से बचने के लिए यात्रियों को रैन बसेरों में ठहरने के लिए की गई है समुचित व्यवस्था। मैनेजरों ने कहा, 15 यात्री ठहर सकते हैं प्रति रैन बसेरों में।